मागच्या धावेसाठी मोहसिन भावने दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण केलेली आहे आणि आता धावा पाहिजे। सहा चेंडू तेरा धावा, काफी रोमांचक मुकाबला, क्या कहना चाहेंगे हिम्मत भाई? हेलो, छह गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है, लेकिन दर्शकों के अंदर उत्साह काफी हद तक बढ़ चुका है क्योंकि ये 6 गेंदे में तय हो जाएगा कि कौन सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगा। अब देखना होगा, सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है सलमान 11 तुड़िल की टीम के लिए, क्या आखिरी ओवर की 6 गेंदे करेगा कौन? ये सबसे जिम्मेदारी वाली ओवर होगी क्योंकि दानिश ने अब तक देखा जाए तो 3 मैचों में जितनी अच्छी गेंदबाजी की है, मेरे ख्याल से उतनी अच्छी गेंदबाजी उनके टीम से किसी ने नहीं गेंदबाजी की है। लवकर लवकर सामना सुरुवात करायची आहे, अंधार होत चाललेला आहे, सूर्यनारायण दिवसभरच कामगिरी नंतर विश्रांतीकडे जात आहे आणि 6 चेंडू 13 धावा, काफी रोमांचक मुकाबला, काही काटो की टक्कर होने वाली अजिंक्य, अब क्या कहना चाहेंगे? काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है। टाई झाली तर सुपर ओवर ना, टाई झाली तर सुपर ओवर आहे। हा आणि बॉलर नेम हारून दौड़ा शो किया, अंपायर को क्रॉस किया, और फेंकी हुई गेंद, देखना होगा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, अंपायर ने उसको वाइड करार दिया, नियम क्रमांक 22 लागू होता ना, आणि 7 चेंडू 12 धावा, जबरदस्त मुकाबला, कांटों की टक्कर इन दोनों के बीच होने वाली है। देखना होगा आज की शाम किसके नाम, रायगढ़ या रत्नागिरी, काफी घमासान युद्ध होने वाला है। स्ट्राइक पे मोसिम, और फेंकी हुई गेंद, और जबरदस्त शॉट खेला हुआ, देखना होगा, और जबरदस्त अरे स्वागत के हिम्मत भाई, आपने सुधा स्वागत के लिए कॉमेंट्री कक्षा मध्ये बोलायला हिम्मत भाई चं स्वागत के लिए, हिम्मत भाई चा डोक्याच्या वरती बॉल आहे आणि जे आपला ही सिस्टीम चालू आहे जिथे आपले लैपटॉप लगे सुधा स्वागत के लिए, चांगला षटकार लगावेला है खरोखर मोसिम साठी, टाला बाजला है सर्वांनी, पांडू टाला बाजला मोसिम साठी, आता 5 चेंडू 6 धावा, जी हाँ 5 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत, अब मुकाबले में जरूर फिर से एक बार कमबैक हो सकता है, मुकाबला खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी भी खेल का पासा पलट सकता है। जी हाँ, जिस तरीके से वजाद भाई कल नहीं परसों जैसे ये मैच रंगती हुई नजर आ रही है, ऐसा ओएस का कहना है, बिल्कुल सही कहना, क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला, ऐसी रंगीन मैच के लिए दर्शक तरसते हैं। अगली गेंद, और इसमें देखिए मिस्टर मिस्टर के, जी हाँ, और ये क्या छोटा हुआ, आप मैंने कहा था मैच में फिर से एक बार कमबैक आएगा, और मुझे जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी फिर से एक बार आती हुई, यानी अहमद शेठ अहमद धन से इनकी तरफ से 100 रुपए आते हुए, क्या बात है, मैच तो अंदर चल रही है लेकिन अहमद साहब बाहर मैच खेल रहे हैं, क्या बात है। ओहो, अब देखिए टीम के अंदर फिर से एक बार हलचल, अहमद साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट, हजारों ख्याल मन में सजाए खड़े थे, अब देखिए 4 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता, क्या कैच पकड़े, एक बार जोरदार तालियां बननी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए, खेल में फिर से एक बार कमबैक, और मोहसिन के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बननी चाहिए जिसने अच्छा परफॉर्म के लिए आज फिर से एक बार सभी का दिल जीता है। इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, वी शेप में गेंद को एग्जीक्यूट किया और बल्लेबाज मोहसिन का विकेट जाता हुआ, अब नए बल्लेबाज जाते हुए पांडो जो 9 स्ट्राइक पर है, अरमान स्ट्राइक पर, गेंदे बची हुई 4 जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत, मुकाबले में फिर से एक बार रोमांच बढ़ता हुआ, 4 गेंदे और 6 रन की जरूरत, क्या बात है, क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला, जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा कि आने वाले 4 गेंदों पर क्या होता है, ये वही गेंदबाज है जिसने इससे पहले वाले मुकाबले में मैच को घुमाया था 3 रन देकर। अगली गेंद, और इसमें देखिए थोड़े से फंबल, और यहां पर रनआउट का खतरा, बैट्समैन आउट, व्हाट अ मैच, जी हाँ ये होता है वजाद भाई, खेल का लेवल, खेल की ऊर्जा, खेल की लगन, और देख सकते हो खेल में आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक लड़ना, जज्बा होना चाहिए, काटो का मुकाबला है, 3 गेंद है और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत, एक गोष्ट मित्र नक्कीच सांगेन, मनगडत जर ताकत असेल, मनात जर स्वप्न, मनात जर जिद्द असेल, डोळ्यात जर स्वप्न असतील ना,
तर तुम्हाला कोण कितीही मागे घेण्याचा प्रयत्न करो काही फरक पडत नाही. तीन चेंडू शिल्लक आहेत जिंकण्यासाठी, सहा धावांची आवश्यकता. सहा धावा तीन चेंडू. दोन अक्षराचं लक, अडीच अक्षराचं भाग्य आणि तीन अक्षराचं नशीब उघडण्यासाठी चार अक्षराची मेहनत करावी लागणार. नक्कीच नक्कीच. आणि आता मात्र पाहिजे का तर मॅच रंगात आलेली आहे. हा स्तरार पाहण्यासाठी मात्र किती एक प्रेक्षक या सामन्याचा आस्वाद घेत आहेत युट्यूब जय गणेशच्या या चॅनल वरती. मात्र आज तिसरा दिवस कशा प्रकारची लढत. तीन गेंदे छह रन की जरूरत. पांडू के बल्ले से निकलता हुआ स्ट्रोक, रन आउट का खतरा, बैट्समैन रन आउट. दो गेंदे और छह रन, क्या बात. तीन गेंदों पर तीन विकेट हासिल किया इस गेंदबाज ने. हैट्रिक, हैट्रिक सर्वान ताला बाजवाजे. रनआउट परंतु तीन विकेट आहेत ना, दोन रनआउट आणि एक असा विकेट. खरोखर चांगली अशी बॉलिंग केलेली आहे. किसके लिए मुनव्वर साकरकर इनकी तरफ से जो कैच लिया गया था ना उसके लिए, नहीं गेंदबाज के लिए, बॉलर के लिए वो 100 रुपए का इनाम. बहुत को बिल्कुल मैच में फिर से एक बार जान आती हुई. दो गेंदे छह रन की जरूरत. और इस भी देखिए स्ट्रोक तो खेला है, देखना होगा वहां पर खिलाड़ी रेहान मौजूद. एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे की मांग, रन आउट का खतरा हो सकता था. ओहो क्या बात है. अब देखिए जो दर्शक थे वो काफी हद तक अपनी जगह से उठ चुके हैं. एक चेंडू आणि चार धावांची आवश्यकता. व्हाट अ मैच. एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस मैच के लिए, इस टूर्नामेंट के, इस आज के तीसरे दिन के क्वार्टर फाइनल वाले मुकाबले के लिए. व्हाट अ मैच दाइम भाई. एक चेंडू और चार धावा. पहले दिन में जब क्वार्टर फाइनल जो हुआ था, एक गेंद और चार रन की जरूरत थी. अब देखा जाए तो एक गेंद और चार रन की जरूरत. अंदर कोई जाएगा नहीं मैच के दौरान. दिमाग सुन करने वाला मुकाबला, दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला. डोक्यात मात्र टिक टिक वाजते. अमोल मात्र ते गाना है ना, टिक टिक का वाजते डोक्यात. दिल की धड़कन इधर और दिल और जिंकले संघ हरलाय पाच संघ जिंकलेला. रत्नागिरीचा हापूस आंबा विजय झाले संघ आणि रत्नागिरीचा हापूस आंबा संघ विजय झालाय. आणि चांगला असा अटीतडी सामना शेवटच्या बॉल पर्यंत आणि पांडू हा हिरो झालेला आहे. इमाद भाई मी तुम्हाला विचारणार होतो एकशे अरमानला तरी पाठवून त्यावर पांडूला पाठवली पाहिजे होती, कारण चांगला गाजलेला प्लेयर तुम्हाला माहितीच असेल. नक्कीच. हे पैसे द्या कोणाला. वो कहते है ना कि शेर की झलक सबसे अलग. एक बार जोरदार टालिया पांडू के लिए. व्हाट अ मैच. मुकद्दर का सिकंदर, जिस सिकंदर की आपने बात कही थी वो आपके सामने पेश होता हुआ यानी पांडू. कॉन्ग्रेचुलेशन. अहमद दनसे, अहमद दनसे साहेब यायचा आहे पहिली कक्षा मध्ये, जे आपल्या जे पारितोषिक आलेले आहे. अहमद दनसे साहेब तुम्ही यायचा इथे, जे पारितोषिक आहे म्हणजे एकूण 500 रुपये जमा आहेत आपल्याकडे. 100-100 रुपयाचे 5 नोटा आहेत, ते कोणाला द्यायच्या नोटा ते बघा. हे बघा 100-100चे 5 नोट आहेत. शादाब ने जो मोसीम को पैसा लगा 100 रुपये का. शादाब भाई ने मोसीम केले. मोसीम ने यायचा हरवतला एक खेळाडू, चांगली अशी फटकेबाजी केले मोसीम ने. अष्टपैलू असा खेळाडू. आणि बॉलरला सुद्धा बोलवायचं, जो बॉलर आहे शेवटच्या ओव्हर मध्ये बॉलिंग टाकली. शेवटच्या ओव्हर मध्ये
मोहसिन साठी सर्वांनी ताले वाजवले, चांगली अशी अष्टपैलू अशी कामगिरी केलेली आहे. मी आधी सांगितलं होतं मोहसिनला जास्त वेळ कोण शांत बसवू शकत नाही. आमच्या पट्ट्यातला गाजलेला प्लेअर आहे, दापोली तालुक्यामध्ये जाऊन थैमान घातलेला आहे असा खेळाडू. आणि आता बॉलर आहे तो मॅन ऑफ द मॅच कोणाला भेटतील ते ठरवतील आता. आणि जो बॉलर शेवटच्या ओव्हर मध्ये बॉलिंग केली होती दादा बॉलर नाव काय अरुण अरुण खरोखर अरुण साठी सर्वांनी ताल्या वाजवले. अरुण भाई खरोखर तारीफ केली पाहिजे कारण का आणि हरण्याच्या संघाने थांबायचं आहे. हरण्याच्या संघाने जायचं नाही. मोसीम आपल्या संघाला थांबवायचं आहे. शादा परकरच्या हाताकडून कोणाला मॅन ऑफ द मॅच आहे. मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला आहे मोहसिन. जबरदस्त असे कामगिरी ज्याच्या बलावर हा संघ आतापर्यंत सेमी फायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे. 34 रन आणि 2 विकेट घेतले मोहसिनने. सर्वांनी मोहसिन त्याला बाजवायचे आहेत. 34 धावा बनवल्या बॅट मधून आणि 2 विकेट. आणि उद्या